सरकार द्वारा इस बार पराली न जलाने को लेकर किसानों को कई निर्देश दिए गए थे और किसानों को जागरूक भी किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पिछली बार से पराली जलाने के मामलों में काफी कमी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी अंबाला में इस बार पराली जली जरूर है। वहीं जब पराली जलाने वाले किसानों से बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर से जवाब दिया कि सरकार के द्वारा जो डीकम्पोजर उन्हें दिया जाता है, उससे 15 से 20 दिन तक इंतजार करने के बावजूद भी पराली पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन पराली को आग लगानी पड़ती है। और साथ ही साथ पराली में आग लगाने के कारण सरकार के चालान भी झेलने पड़ते हैं। देखो, आज के टाइम में अगर हम पराली की बात करें, पराली हम भी नहीं जलाना चाहते। पराली जलाने का मेन मुद्दा हमारा क्या है कि उसके आगे हम अपने खेतों की जुताई नहीं कर पाते। जुताई अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आज सरकार की बात करें तो सरकार ने डीजल का रेट कहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर सरकार चाहती है अभी हम पराली ना जलाए तो डीजल का रेट हाफ करे, हाफ करके हम उसकी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जुताई करेंगे, जिससे हमारा बेनिफिट होगा। अब मान लो सरकार ने क्या किया था, सरकार कहती है पराली मत जलाओ, पर हमें सरकार कुछ सब्सिडी वगैरह तो दे। रोलर की बात आती है, रोलर आज से 3 साल पहले हमारे गांव में आया था, जिसने गांठे बनाई, पर उसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। उन्होंने हमसे क्या किया, 300 रुपये प्रति एकड़ हमसे, हमारे पास मतलब कि चार्जेस किया। वो कहते थे कि 1000 रुपये आपके खाते में आया, जो कि आज तक हमारे गाँव के जितने भी किसान हैं किसी के पास आज तक वो पैसा नहीं आया। अब सरकार ने हमारे गांव में मतलब कि डीकम्पोज के पैकेट भेजे थे, जिसकी सरकार कहती थी कि आप इसका स्प्रे करो, उसके अभी सरकार ने हमसे क्या किया है, 100 रुपये चार्जेस किए हैं। अगर उस डीकम्पोज की हम बात करें, वो कहते थे कि 48 घंटे के अंदर आपके अवशेष बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जबकि अगर हम बात करें उस चीज़ को, आज 15 से लेकर 20 दिन तक हो चुके हैं। अगर देखें हम खेतों में जाके तो वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं। अगर इसमें हम माने तो डीकम्पोज ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैडम, 3 साल पहले हमें सुविधा के लिए एक मशीन भेजी गई तुम्हारे पास, जबकि हमारे को ये बोला गया था भी आपको प्रति एकड़ 1000 रुपया दिया जाएगा, और उल्टा हमारे से 300 रुपये प्रति एकड़ लेके गए हैं। कोई हमारे पे 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से कोई पैसा नहीं आया। हमें पैसा कोई नहीं चाहिए मैडम, पर कम से कम समय सर, टाइम सर, जिससे हम अपनी जुताई कर सकें, अपनी आगे की जो गेहूँ की फसल है वो बिजाई कर सकें। नवम्बर में करते हैं मैडम, तो मशीन ही नहीं अब तक आई मैडम, अब भी नहीं आई, पीछे भी वेट किया पिछले साल, ना आग लगाने देते हैं, चलान काटते हैं। दूसरा मैडम, अब भी नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं। मशीन भेजे डीकम्पोज के साथ स्प्रे कराया, जिम्मेदार बैठे हैं आप, किसी से पूछ सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है मैडम। कोई उससे जो डीकम्पोज का मतलब ये है भी पराली गलती है खेत में, वो स्प्रे कराई है मैडम, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई उससे पराली गली नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हो जाके आप। वहीं जब इस बारे में कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, और डीकम्पोज करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर पराली अपने आप नष्ट हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डीकम्पोजर स्प्रे है उसकी एक निश्चित अवधि है, 10 से 12 दिन में ये पराली गल जाती है, और यही कारण रहा कि इसको पराली के डीकम्पोजर किटों को समय रहते वितरित किया गया, ताकि जो 10 से 12 दिन की अवधि इसके गलने में लगती है वो समय इन किटों को मिल सके। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इन प्रयोगों को सफल बताया है, और बगैर पराली को जलाए उन्होंने अपने खेतों में अगली फसल की गेहूं की बिजाई भी की है। नहीं, डीकम्पोजर किट के स्प्रे के बाद 10 से 12 दिन की निश्चित तौर पर यह अवधि तो लगती है, लेकिन पराली जलाना ये किसी भी समस्या के निजात पाने का तरीका नहीं है। सरकार द्वारा एक्सीटू और इंसीटू दोनों ही तरह से 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, तो सभी किसानों से हम यही आग्रह करते हैं कि चाहे वो इंसीटू या एक्सीटू कोई भी तरीका अपनाएं, पराली जलाना कभी भी पराली से छुटकारा पाने का समाधान नहीं है। इसके अलावा बीते दिनों अंबाला उपायुक्त प्रियंका सोनी से भी बातचीत की गई थी और किसानों से मिल रही शिकायतों के बारे में जानकारी ली गई। पूरे जैसे हम अंबाला जिले की बात करें तो हार्डली 100 के करीब होंगे जिन लोगों ने जलाई है, बाकी इतने सारे लोगों ने वही डीकम्पोजर भी यूज़ किया है, मशीनें भी वही यूज़ की हैं, उनसे काम भी किया है। केवल क्या 100 लोगों के खेतों में काम नहीं कर रही, बाकी सबके कर रही है, तो ये बातें नहीं है। वो मतलब कुछ भी कारण रहे होंगे, मे बी द क्वालिटी और मे बी उनकी नो हाउ और मे बी यूसेज। आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, जब तक आपको उसको यूज़ करना सही ढंग से नहीं आता, कई बार उसकी वजह से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते।
तो आप पूरे इसमें देखिए, हरियाणा में इतने सारे किसानों ने प्रबंधन किया है स्टबल बर्निंग का, तो केवल कुछ एक किसान जो बर्न करने क्या वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, तो ये मानना गलत बात है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले अंबाला में इस बार पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना भी किसानों पर लगाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसानों की शिकायतों का क्या हल निकालती है। पंजाब के सिटी वी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।